राजनीति के महारथी लाल कृष्ण अडवाणी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। ये सम्मान जीवित अवस्था में बहुत कम लोग पाते हैं। 22 जनवरी सन 24 को भारत में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का महापर्व ऐतिहासिक तौर पर मनाया गया है। इसके नींव के पत्थर अडवाणी जी हैं। सन 1984 में बीजेपी को 2 सीटों से बढ़ाकर आज जो 400 लाने का संकल्प मोदी जी कर रहे हैं, वो सिर्फ अडवाणी जी की देन है। इनकी रथ यात्रा ने राम मंदिर की चिंगारी को ज्वालामुखी बनाया। जानते हैं कैसे, आइए इस आलाप के माध्यम से सुनते हैं। ज्वालामुखी समान रथ यात्रा जब उन्होंने निकाला, धर्म से खड़ा किए तूफान, गांव से लेकर नगर नगर में किया राम पर सबका ध्यान, बाधा विघ्न नया ने पाए। नमन करूं गणपति भगवान, सोनी साहनी आल्हा गाए। सुनना भैया देकर ध्यान, अडवाणी पाए सम्मान भारत रत्न कसम 24 में। भारत रत्न कसम 24 में अडवाणी पाए सम्मान, बहुतों ने की राम की सेवा, किया है बहुतों ने गुणगान। इतना था इनका अरमान अडवाणी की भावनाओं का, मान रखे रघुवर भगवान अडवाणी की भावनाओं का। अडवाणी की भावनाओं का मान रखे रघुवर भगवान, इनके जीवन की तारीख है कौन
मेहनत है, धर्म सनातन जो चमकाए। लेकिन हम अडवाणी जी को नीलक पत्थर है बतलाए, अडवाणी पर कृपा राम की। सम 24 में दिए कहा, धन्य हो गया इनका जीवन। भारत रत्न अभी जो पाए, हम पर भी प्रभु अपनी करुणा। समय समय पर